नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए शानदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, आज मैं बड़ा सीरियस हूँ। आज मैं आपको कोई सा अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं बताने वाला हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से टॉप 5 वर्क जिन्हें आज आप स्टार्ट करके, टुडे में स्टार्ट करके फ्यूचर में करोड़पति तक बना जा सकता है, या तो फिर आप रिच बन सकते हैं। करोड़पति या रिच दोनों सेम ही वर्ड है, लेकिन जो लोग करोड़पति शब्द सुनकर ही हंसने लग गए होंगे उन लोगों के लिए रिच बोल सकता हूँ। तो वो कौन से ऐसे 5 वर्क है जिन्हें आज आपको स्टार्ट करने चाहिए। देखिए जर्नी बड़ी ही सिंपल है, हम यहाँ पर ऐसे 5 वर्क के ऊपर बात करने वाले हैं जिन्हें आज आपको स्टार्ट करना है। जीवन भर उनके ऊपर काम नहीं करना है, केवल आज आप काम करके छोड़ सकते हैं, फ्यूचर तक आपको वो पोटेंशियल वो अर्निंग देते रहेंगे और आपको लखपति करोड़पति तक बना सकते हैं। ये कोई फैक्ट वाली मजाक वाली बात नहीं है, रियल फैक्ट है। टोटल 5 वर्क ऐसे ही बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ये पूरी अपनी अनुभव के बेस पर बता रहा हूँ और जिन पर मैंने अपना काम या फिर अपना जो फोकस है वो स्टार्ट भी कर दिया है। चलिए देख लेते हैं। अब जो पहला वर्क हमने रखा है जिन्हें आज आप स्टार्ट करना है वो है म्यूचुअल फंड, यानी कि स्टॉक्स। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार सर स्टॉक या म्यूचुअल फंड ये तो पुरानी बात है, इससे हम नहीं बन सकते अमीर, और म्यूचुअल फंड बोले रिस्की होता है, इसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर पिछले सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने हमेशा ही, इंडिया में एक ग्रोथ इकोनॉमी है और सेंसेक्स ने हमेशा ही एक प्रॉफिट ही निकाल के दिया है। अगर आप लास्ट 5 ईयर का अगर रेशो देखें तो सेंसेक्स या 27,000 से आज 61,000 पे पहुंचा है। अगर आप मैक्सिमम की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसेक्स ने 1986 से रेगुलर कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हुए 61,000 पर पहुँचा है। कहाँ 600 रुपये हुआ करता था, 500 रुपये हुआ करता था, आज 61,000 है। तो ऐसा नहीं है कि यार म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स बुरे होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक सही ढंग से एक रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपको करोड़पति या रिच बना सकता है। आज आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट या फिर रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। मैं अपने पोर्टफोलियो में इसीलिए सबसे नंबर 1 पर मैंने म्यूचुअल फंड SIP को रखा है, ताकि अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिक नहीं कर पाते हैं, आपको नहीं पता है कि कौन से कंपनी के शेयर अच्छे हैं खरीदे, तो आप SIP म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं या फिर लमसम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ निकाल के आपको बताया है SIP कैलकुलेशन का। अगर आप सोचिए, सपोज कि अगर आप यहाँ पर मंथली SIP करते हैं 500 रुपये की, और आपका एवरेज परसेंटेज 12% हम लेके चलते हैं, क्योंकि सेंसेक्स अगर देखें तो 12% से ज़्यादा ही रिटर्न निकाल के देता है, एवरेज 12%। अगर आप अगले 30 साल के लिए 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप 180,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, 15,00,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा और 17,00,000 रुपये आपकी टोटल वेल्थ हो जाएगी। ये होता है SIP म्यूचुअल फंड का। वही अगर सोचिए, अगर आप इसमें 1,000 रुपये कर देते हैं तो आपकी अमाउंट कितना बनता है। वही अगर आप महीने के इसमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 12% और इस परसेंट को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और सिंपली 15% यहाँ पर हम निकाल देते हैं, तो अब देखिए आपके 30 साल में कितना पैसा बनता है, यानी कि 70,00,000 रुपये आपके, मात्र 360,000 रुपये इन्वेस्ट हुए। 30 साल तक आपने इन्वेस्ट करा, 66,00,000 रुपये इसमें इंटरेस्ट मिला और टोटल राशि आपके 70,00,000 रुपये बनती है। वही थोड़ा सा मैं लमसम का आपको गणित बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक पूंजी है, आपने यहाँ पर सपोज 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दिए 15% इंटरेस्ट पर अगले 30 साल के लिए, तो सोचिए आपका जो पैसा है वो 1,00,000 रुपये पर 65,00,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और 66,00,000 रुपये आपकी टोटल वेल्थ बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यार म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया तरीका है। आप स्टॉक में
अगर अच्छे नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में लगाइए। यहाँ का जो फंड मैनेजर है वो खुद आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, जैसे SBI का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, एक्सिस का, या फिर HDFC का, ब्लू चिप का, कैनरा रोबेको, या फिर आप एसेट लार्ज एसेट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। कई तरीके के म्यूचुअल फंड है, 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम काम कर रही है इंडिया में। किसी का भी म्यूचुअल फंड लेकर आप आज आप 100 रुपये या 500 रुपये इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के लिए करोड़पति तक लखपति तक बन सकते हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड का कमाल। तो पहला तो मैं यही कहूंगा कि आप यार म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और बेहतरीन तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए करोड़पति आप बन सकते हैं। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर मैंने जिस चीज को रखा है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम को रखने का पीछे मकसद यही है कि पैसिव इनकम एक ऐसा जरिया है जहां से आज आप इन्वेस्ट करके लखपति करोड़पति तक बन सकते हैं। पैसिव इनकम में ऐसा है कि आज आपको एक बीज बोना है, लॉन्ग टर्म के लिए देता रहेगा वो रिटर्न। पैसिव इनकम उसे कहते हैं जब आप एक ऐसा काम स्टार्ट करते हैं जिस पर आप एक बार स्टार्ट करके अगर सो भी रहे हैं, कुछ दूसरा काम भी कर रहे हैं, तब भी आपको पैसा आता रहे। तो कहने का मतलब आप आज ऐसे पैसिव इनकम के वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपने कुछ रेफर अर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, जैसे कि ग्रो ऐप का ही कर लिया, इसी ग्रो ऐप का। ये ग्रो ऐप आपको रेफर अर्निंग पर 500 रुपये देता है। आपने एक बार इसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, एक लिंक भेज दी, जो भी उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको हर महीने या हर बार 500 रुपये मिलते रहेंगे। जब जब लिंक पर क्लिक होगा 500 रुपये मिलेंगे। दूसरा तरीका, आपने कुछ एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें, आपने किसी जैसे अमेजोन के प्रोडक्ट का उठा लेते हैं, आपने अमेजोन के प्रोडक्ट का एक लिंक जनरेट करी, उसे रेफर कर दिया सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, ब्लॉग हो गया, उनके माध्यम से उसे रेफर कर दिया। जब जब आपके लिंक से अमेजोन पर कुछ भी सामान खरीदा जाएगा या फिर उस लिंक से जाकर अन्य सामान खरीदा जाएगा, तब भी आपको यार 12% 10% तक कमीशन मिलता रहेगा। अब सोचिए कि एक बार की मेहनत से लॉन्ग टर्म पैसा मिलता रहे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यार प्रॉपर्टी हो गई या फिर जमीन हो गई। आपने आज कोई सी जमीन ली। एक किस्सा सुनाता हूं कि यार पूर्वजों ने, जैसे कि मैं बताता हूं, एक मेरे फ्रेंड है, उनके पिताजी ने आज से एक पौश इलाके में 8000 रुपये में जमीन ली थी। आज उसकी वैल्यू 50 लाख रुपये है। अगर वो बेचते हैं तो 50 लाख रुपए मिलते हैं। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट या फिर मकान में आप इन्वेस्ट करके बाद में पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक जरिया है। कुछ और हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी है उसको आपने रेंट पर चढ़ा दिया। अगर रेंट देता रहेगा तो हर महीने आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी। तो इस टाइप से आप कुछ यूनिक तरीका ढूंढिए जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सके। एक बार की मेहनत, अगर आप गोवा के बीच पर जूस पी रहे तब भी आपको पैसा आता रहेगा पैसिव इनकम की बदौलत। जैसे कि हम एक ब्लॉग है या फिर यूट्यूब चैनल है, वो जब एक बार वीडियो बना लेता है, जब जब वीडियो देखा जाता है तब तब पैसा बरसता है। तो ये होते हैं पैसिव इनकम के जरिए। आप देखिए आप कौन सा ऐसा पैसिव इनकम करने का जरिया निकाल सकते हैं जिसको करके लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा आता रहे और ये पैसा आपको करोड़पति बना सकता है, क्योंकि इसमें एक बार की मेहनत है। उस टाइम आप जब पैसा आता है पैसिव इनकम से, तब दूसरा वर्क भी कर सकते हैं। तो डबल तरीके से, डबल सोर्स से इनकम जनरेट होगी। तो इस टाइप से एक बेहतरीन तरीका पैसे कमाने का हो सकता है। अब तीसरे नंबर पर मैंने रखा है वो है कोडिंग हो गया या फिर डेवलपर हो गया। आप क्या कर सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं या फिर डेवलपर बन सकते हैं। आज इनकी खासी डिमांड है। देखिए डिजिटल युग आ चुका है, सब चीज़ें डिजिटल हो गई है, सब चीज़ें कोडिंग या फिर कंप्यूटराइज हो गई है। ऐसे में आप कोडिंग सीख सकते हैं या फिर डेवलपर बन सकते हैं। इसमें आप ऐप डेवलपर हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में लाखों ऐप पर डे लिस्टेड होते हैं प्ले स्टोर पर। पर डे तो नहीं, पर मंथ लिस्टेड होते हैं। वही अगर आप वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं, तो इसमें आप लोगों की वेबसाइट ऑनलाइन ले जा सकते हैं, उनके बिजनेस को, लोगों के लिए वेबसाइट क्रिएट कर दे सकते हैं, उस वेबसाइट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, नई नई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे कई एंटीवायरस या फिर बग्स के खिलाफ आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। कोडिंग अगर आती है आपको, तो आप खुद के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ऐप, वेबसाइट या फिर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर की डिमांड है, क्योंकि डिजिटल युग है, सब चीज़ें कोडिंग के ऊपर बेस होने वाली है। तो आज ये स्किल्स आप सीखकर फ्यूचर के लिए आपको अपने आप को स्किल्स देकर करोड़पति बना जा सकता है।
क्योंकि आज आप अगर ये सीख गए तो फ्यूचर के लिए काम आएगा, और फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, जिससे आपको जॉब भी अगर आप करते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज मिलेगा, या फिर खुद के फ्रीलांसर वर्क भी करोगे तो लाखों करोड़ों रुपए का पैसा मिलेगा। तो ये होता है कि आज आप मेहनत कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करोड़पति तक बना जा सकता है। ये वर्क भी एक बेहतरीन वर्क है। चौथे नंबर पर मैंने जिस चीज़ को रखा है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जिस तेजी से बढ़ी है ना दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, सिंपली कॉइन मार्केट कैप का एक एनालिसिस दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा अगर ओवरव्यू देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी किस तेजी से बढ़ी है। अगर आज मैं बिटकॉइन की बात करूँ ना, तो एक समय बिटकॉइन की प्राइस, आप लोग सब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी को, पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी। अगर आज मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन की प्राइस लगभग 31 लाख रुपए है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे, आज से ही 8, 9, 10 साल पहले एक बिटकॉइन की कीमत 6 रुपए हुआ करती थी। सोचिए जिसने किसी एक बिटकॉइन को खरीद लिया होता, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉइन मार्केट कैप का डेटा है, यहाँ पर एक बिटकॉइन की कीमत 6000 रुपये बता रहा है 2013 में, लेकिन बिटकॉइन की स्थापना 2008-09 में हो चुकी थी, उस टाइम बिटकॉइन की कीमत 6 रुपये थी। सोचिए 8-09 में किसी ने एक बिटकॉइन खरीदी होती तो आज उसकी वैल्यू अगर वो 31 लाख रुपये में उसे सेल करता तो कितना पैसा उसे मिलता। यहाँ पर आप खुद कैलकुलेशन लगा के देख सकते हैं कि एक बिटकॉइन उसे करोड़पति तक बना सकती थी, अंदाजा लगा के देख सकते हैं। तो ऐसे में यार क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है, चाहे इथेरियम का ही उदाहरण ले लीजिए, दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है ये। इस क्रिप्टो करेंसी ने मात्र 2,30,000 का सफर ये आज है, लेकिन अगर आज से कुछ साल पहले जैसे 2015 में देखोगे तो 89 रुपीस प्राइस थी इसकी इथेरियम की एक समय पहले। तो सोचिए यार उस टाइम किसी ने 89 रुपीस में एक इथेरियम खरीदी होती, आज उसके पास 2,34,000 रुपये होते। तो ये पोटेंशियल है यार कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का। काफ़ी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है मार्केट में जिनमें आज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो भविष्य में बिटकॉइन बनेगी, तो आज आप उनमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो ये भी एक वेल्थ क्रिएट करने का एक फॉर्मूला हो सकता है, जहां पर आज आप इन्वेस्ट करके बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को अभी भी मजाक समझेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन दिल से कह रहा हूँ यार एक्शन लीजिए और वेल्थ क्रिएट करिए। इन 5 अगर वर्क को आज आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो डेफिनेटली आप करोड़पति बनते हुए देखेंगे। मैं खुद इन चीज़ों पर काम करता हूँ इसलिए आप लोगों को बताता हूँ। अब 5वें नंबर पर मैंने जिस चीज़ को रखा है वो है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए पहला का समय जा चुका है जब पंपलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स से प्रचार होता था, टीवी एड, रेडियो, अखबार का समय था। आज बदल चुका है, आज डिजिटल युग है। आज अगर मार्केटिंग करना है किसी कंपनी को तो वो डिजिटल तरीके से करेगी। उसमें दो फायदे, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और दूसरा जिस ऑडियंस के स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुँचना है उस तक पहुँच भी पाएगी। देखते हैं पहले क्या होता था कि अगर अखबार तक पहुंचाना था एड या फिर टेलीविजन पर एड होता था तो वो सभी ऑडियंस को दिखता था, अगर पंपलेट छापना था तो वो एक रीजनल क्षेत्र में और बहुत कॉस्ट ज़्यादा आती थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि डिजिटल युग में आप कम कॉस्ट में ज़्यादा लोगों तक एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो ये होता है डिजिटल का कमाल। तो ऐसे में यार डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, फ्यूचर में ये एक बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है और बन चुकी है काफ़ी हद तक। सब चीज़ें आजकल डिजिटल होती जा रही है, सब लोग डिजिटल। इंडिया की बात करें तो औसतन 5 घंटे लोग इंटरनेट या फिर मोबाइल पर बिताते हैं। तो ऐसे में यार उन तक पहुँचना डिजिटल मार्केटिंग के बगैर संभव नहीं है। तो ऐसे में आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। 6 महीने 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके ये स्किल्स सीखकर आप लोगों के बिजनेस, लोगों को डिजिटल तौर पर उन तक पहुंचा सकते हैं और अपनी खुद की एजेंसी खोल सकते हैं, फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंचकर एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपके पास खुद चलकर आएंगे, आप लोगों के डिजिटल मार्केटिंग करके दे सकते हो और एक बड़ा पैसा बना सकते हैं।
तो ये कुछ पांच वर्क थे जिनको आप करके दोस्तों यार बेहतरीन तरीके से फ्यूचर में बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगर आप टॉप फाइव वर्क टू स्टार्ट आज नाउ करते हैं तो फ्यूचर में आप करोड़पति तक बन सकते हैं। तो ये फाइव कामों पर इम्प्लीमेंट जरूर करना। आप लोगों को ये मेरी तरफ से एक बोनस है ये मान के चलिए, और आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए जो कि आपको करना चाहिए यार रियल में उनको स्टार्ट कर दीजिए। मैं खुद इन कामों पर करता हूँ इसलिए आप लोगों को बताया है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, और इन फाइव वर्क पर आज से ही स्टार्ट करना। कौन कौन करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय।